स्टूडेंट आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, जो मुझे दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिखा हुआ था, और पाई अपॉन 4 बराबर होता है 45 के, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट, उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी कि dy ओवर dx मालूम करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद दूसरा क्या लिखा, बी वाई इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। एंड क्या लिखा हुआ है, थीटा नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली बात जो की है वो हो गई। अच्छा, ये वाली हो गई बात। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन लिख ली, इसके बाद हमने इस इक्वेशन के ऊपर और इस इक्वेशन के ऊपर दोनों के ऊपर हमने एक बारी बारी क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चले जी एंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लिया a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी स्टूडेंट, और इसी तरीके से y इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर बारी बारी हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम एक लाइन लिखती है मशहूर जमाना, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या लेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बताएंगे जो थर्ड फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, थीटा दिया है। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड फंक्शन थीटा दिया गया। अच्छा जी, सबसे पहले डेरिवेटिव इधर लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, डी ओवर डी थीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया, और डी ओवर डी थीटा हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर भी ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी सबसे पहले यहाँ पे हम लेना शुरू करते हैं डेरिवेटिव। ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव है वो हमारा मेन फंक्शन के साथ लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा यहाँ पर देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो डब्बे की पावर एन का लगेगा। तो इस फार्मूले के तहत मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो जरा देखिएगा कैसे होगा। ए ऐसे कैसे लिखा था, पावर ऊपर क्या लिखी हुई है, 2, और कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, दो में से पावर एक चलेगी तो कोस के ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 ऊपर लिखो या लिखो कोई मसला नहीं होता, और इन द एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बे के अंदर क्या था, कोस थीटा, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मजीद आगे चलते हैं। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा x इधर, तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां पे, 2a, ठीक है, ये 2a हो गया, और cos थीटा इसको मल्टीप्लाई हो रहा cos थीटा इन द मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस sin होता है, अगर नहीं आता तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस साइन थीटा, सिंपल। चलें जी मजीद आगे चलते हैं। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा a, और ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये dx ओवर d थीटा जो था आपके पास निकल के आ गया। तो लिहाजा ये जो डेरिवेटिव था आपने फर्स्ट इक्वेशन का कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेटिव को हम क्या कह देते थे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो लिहाजा सिंपल आप 1 कह दें। ठीक है जी, अब जिस तरीके से आपने 1 इक्वेशन पर डेरिवेटिव लिया है, उसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसके ऊपर भी डेरिवेटिव लेना। तो चले जी आए, तो इक्वेशन है, डेरिवेटिव लेने से पहले ये लाइन लिखते हैं, ये लिख दिया। अब इस लाइन का मतलब होता है कि डी ओवर डी थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले रहे हैं, और डी ओवर डी थीटा हम लोग राइट हैंड साइड पर भी ले रहे हैं। तो हमने ले लिया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी जो है मेरा बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पे डेरिवेटिव नहीं लगता, जो डेरिवेटिव है वो मेन फंक्शन के साथ लग जाएगा। तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, जरा देखिएगा क्या होगा, यहां पे b लिखा है, b, अब sin की पावर डब्बे के ऊपर, यहां पे कौन सा फार्मूला लग रहा है जो हमने यहां पे यूज किया था, कौन सा, वो था ये वाला फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल इस फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करते हैं। तो sin यहां पे डब्बा है और उसके ऊपर पावर 2 दी है, तो उस तरह देखें तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, sin की पावर थीटा उसमें से 2 गया तो ऊपर पावर 1 बचेगी, 1 लिखो ना लिखो मसला कोई नहीं है, इन द मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बे में यहां पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया, तो sin थीटा आपने मल्ट कर दिया, सिंपल। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। तो जरा ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 2 आगे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ये आपको अगर नहीं आप तो देख ले।
ठीक है जी स्टूडेंट। तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कोस मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं और आपका यही क्या होगा डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखेंगे क्या होगा, बी टू बी, इधर आपने पहले कोस लिखा तो इसको भी आगे लिख दें कोस थीटा, और इधर साइन लिखा तो इसको अरेंज कर दिया जैसे आपका इसका डेरिवेटिव आएगा। तो लिहाजा दूसरी इक्वेशन का भी डेरिवेटिव आ गया, तो दूसरी इक्वेशन के डेरिवेटिव को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अच्छा कोशिश कीजिएगा जब ये आपके पेपर में आए तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिएगा, और ये जिस तरीके से मैं इसके ब्लॉक में कर रहा हूँ ऐसे नहीं कीजिएगा, आपने उसको आगे से कंटिन्यू करना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन बड़ा बड़ा लगे, सोल्यूशन बड़ा लगे। ठीक है जी, अच्छा जी यहाँ तक हो गई बात करता हूँ। जैसे ही आपने जो इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशनें दी गई थी उनके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग चेन फार्मूला। ठीक है, यूजिंग चेन फार्मूला लिख दें या चेन रूल लिख दें कोई मसला नहीं है। तो चेन रूल बेसिकली क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स जो डेरिवेटिव होता है इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी, क्या आएगा यहाँ पे थर्ड टर्म, यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन क्या दिया, थीटा दिया। पिछले इक्वेशन में हमें टी दिया था तो टी लिखते थे, यहाँ पे हमें थीटा दिया है तो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी थीटा भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल ये चेन रूल का फॉर्मूला था। अब आगे इसको आगे चलते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो इससे पहले हम यहाँ पे ये भी लिखते थे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो सर देखेंगे डी एक्स ओवर सबसे पहले डी वाई ओवर डी की चाहिए, तो डी वाई ओवर डी थीटा किसके बराबर है, टू बी कोस थीटा और साइन थीटा, सिंपल। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टू ए कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल मैंने इस पार्ट में क्या किया, जो चेन रूल था उसके अंदर वैल्यू पुट करी डी वाई ओवर डी थीटा की, ये लिखी, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू मैंने ये लिख दी, सिंपल। अब जरा देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला टू कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कोस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये वाला साइन और ये वाला साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो अब आगे जाके आपके पास क्या बचा, डी एक्स ओवर डी टी आपके पास बचा, ऊपर रह गया बी और नीचे क्या रह गया ए, वो भी माइनस का, तो ये हो गया, ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको थीटा मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा, तो लादा इसीलिए आपको क्वेश्चन के अंदर थीटा नॉट इक्वल टू 45 लिखा था, अगर थीटा की वैल्यू होती तो आप 45 पुट कर देते, ना ही तो थीटा की वैल्यू आई है, और इसीलिए इसने डायरेक्ट आपको थीटा नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिखा था, जो बराबर होता है 45 डिग्री के। तो लादा दिस इज योर फाइनल आंसर, अगर हाँ इसके अंदर आपका कोई थीटा शीटा होता, थीटा कोई आ रहा होता, तो फिर आप थीटा की वैल्यू पुट करते और इसको आंसर देते। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए जी आए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है जो हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है पाई अपॉन 2। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है, तो सबका हम लेने क्या लेना है डेरिवेटिव। तो सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन की जो इक्वेशन दी है वो आपने एक एक करके लिख ली, और इन द एंड आपको जो थीटा की वैल्यू दी थी वो आपने लिख ली पाई अपॉन 2, लेकिन आपको पता है कि आप अपनी वैल्यू के अंदर डायरेक्ट जो रेडियन की वैल्यू है डालने में मुश्किल होगी, तो पाई अपॉन 2 बराबर होता है 90 के। इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया हम, मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय पाई, तो ये खुद ब खुद 90 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडियन से डिग्री के अंदर जाने का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल हमने कर लिया, इसे हमारे लिए आसानी हो जाएगी इन द एंड सिंप्लीफिकेशन में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के ऊपर बारी बारी क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो जरा देखिएगा, इस इक्वेशन को मैंने यहां लिख लिया और इस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख लिया, अब इन दोनों इक्वेशन के ऊपर मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां पे जो तीसरा फंक्शन दिया हुआ है वो मुझे थीटा दिया, इसलिए उस रिस्पेक्ट से लूंगा। तो अब चलिए जी, यानी दोनों साइड पे मैंने लिख लिया है, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी थीटा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेना है, और डी ओवर डी थीटा हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर भी ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, तो डी एक्स ओवर डी थीटा सिंपल इज इक्वल टू, अब ए जो है बाहर निकल के आ गया, और जो मेरा मेन डेरिवेटिव जो है वो किसके साथ लग जाएगा, मेन फंक्शन के साथ लग जाएगा, वो है थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट नंबर है, मैं क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अब जरा आगे चलते हैं, ए है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो थीटा के पास भी आएगा और साइन थीटा के पास भी आएगा, तो जैसे मेरे पास थीटा के पास आया तो जरा देखिएगा एक्स की पावर 1 हुई तो डेरिवेटिव 1 आ गया, तो जरा यहाँ पे थीटा की पावर 1 है तो थीटा की पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा ले रहे हैं, तो जरा देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1, और इसीलिए थीटा का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इधर, साइन का डेरिवेटिव, क्योंकि डी ओवर डी एक्स साइन के पास भी आएगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, सिंपल। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो गया है कंप्लीट, तो यहाँ पे आपका डी एक्स ओवर डी थीटा जो हो गया वो हो गया डेरिवेटिव। तो आपको याद है जैसे ही हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तो हम इसको इक्वेशन का नाम देते हैं, तो इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन पे, दूसरी इक्वेशन को लिखा, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना, तो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लादर डी ओवर डी थीटा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया इस इक्वेशन की, तो डी ओवर डी थीटा जो है हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर भी ले लिया, सिंपल। ठीक है,
अब आगे क्या होगा ना देखिएगा, d ओवर d थीटा इज इक्वल टू a जो है मेरा बाहर आ जाएगा, और जो मेन फंक्शन है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे जो डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a तो ऐसे कैसे रहा, तो यहाँ पे जो d थीटा वो लेफ्ट हैंड साइड कैसे करेगा। अब जरा देखिएगा ये डेरिवेटिव 1 के पास जाएगा, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, ये बात आपको याद होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, जरा देखें क्या होगा। तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास, a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरे पास सिंपल साइन थीटा रहेगा और ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो अंदर साइन रहा, साइन को मैंने a से मल्टीप्लाई, a को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर आके इस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव होता है कंप्लीट। तो लादा इस इक्वेशन को मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहां तक का काम तो आप सबको आता हो कि भाई जो हमें इक्वेशन दी जाती है उनके ऊपर हम बारी बारी डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, यहां पे लिखते हैं यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल क्या होता है, वो चेन रूल का फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला बड़ा ही आसान होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा। थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया हमें थीटा दिया है, इन द डिवाइडेड बाय डी एक्स है, तो डी एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सिंपल। तो चलिए जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई ओवर डी थीटा किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी, यहाँ पे हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो डी वाई ओवर डी थीटा बराबर है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसकी डी एक्स ओवर डी थीटा किसके बराबर है इक्वेशन 1 से, ए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये तो आपके डेरिवेटिव यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, अब इसको देखते हैं क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, ये वाली बात मानते हो। तो लिहाजा यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस डेरिवेटिव के अंदर आपको थीटा की वैल्यू दी हुई, जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये जो वैल्यूज दी हुई आपने पुट करके देनी है, तो अगर आपको डेरिवेटिव का बोला था तो आप यहाँ पे छोड़ जाते, लेकिन इन आपको वैल्यू भी पुट करनी है। तो चलिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये आ गया, आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 90 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो 90 पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू साइन एंगल थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 90 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 90 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, अब सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखेंगे क्या होगा, साइन 90 निकालते हैं, तो कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, साइन लिखिएगा और 90 लिखिएगा, तो क्या है आपके पास, पावर 1 आ गई, सिंप्लीफाई। ठीक है जी, फिर आज 1 माइनस कोस 90 निकालें, तो कोस 90 बराबर होता है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ऊपर 1, नीचे 1 से 0 माइनस किया तो 1 रह गया, 1 से 1 डिवाइड किया तो सिंपल 1। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया dy ओवर dx, ठीक है स्टूडेंट, जो सिंपल आपने डेरिवेटिव निकाला और थीटा इज इक्वल टू 90 जो दिया हुआ था, तो इसका आंसर आपके पास 1 आया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।